तो आज हमारा ये केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ या मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान हो तो मैंने आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताया था, दैट वाज द एक्चुअल बेसिस ऑफ द एंटायर केमिस्ट्री। कि कैसे डाल्टन ने पहले वो कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, फिर कंपाउंड फॉर्मेशन और सारे जो लॉज हैं उनके बेसिस पे पोस्टुलेट्स बनाए। एक्चुअली पहले पोस्टुलेट्स बना, बाद में उन लॉ के साथ हमने पोस्टुलेट्स को क्या किया, वो क्या बोलते हैं, इनलाइन किया या कोहेरेंसी चेक की कि भाई ये सब सारे कोहेरेंट हैं कि नहीं। तो वो सारा कुछ करने के बाद बहुत सारी इसमें त्रुटियां भी आई, जिसको हमने ड्रॉबैक्स के नाम में पढ़ा कि भाई इसमें फलाना ड्रॉबैक था, ये ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक था, कैसे बन रहा है बॉन्ड, क्यों कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, तमाम तरह की बातें हमने वहां पे पढ़ी। तो इन सबको कंसिडर करने के बाद और बहुत सारे साइंटिस्टों ने जो और सारी डिस्कवरीज की, जैसे मैंने आपको नाम लिखवाया होगा कि भाई कोई जेवेज फंक्शन थे उन्होंने कुछ किया, ई गोल्डेंस्टाइन ने कुछ किया, जेम्स चैडविक ने कुछ किया, फिर रदरफोर्ड ने कुछ किया, इस तरह से तमाम साइंटिस्ट बोर आए। तो काफी सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारी डिस्कवरीज की, उन डिस्कवरीज के बाद बहुत सारे जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो, और उसके बाद उसको हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ गया, मॉडिफाई करना पड़ा। तो वो अभी आज हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी। तो ये जो मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी है ये एक्चुअली आप समझे कि ये क्वांटम थ्योरी के लगभग करीब की थ्योरी है, मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी। तो ये आपकी जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखें, एटम इज नो लॉन्गर सपोज्ड टू बी इंडिविजुअल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। एटम इज no longer supposed to be individual and indestructible। मैंने बताया ना, इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब जिसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, पर इसके छोटे छोटे पार्ट सब पता लगने लग गए। देखिए, the atom is not a simple particle, उसी में लिखेगा, the atom is not a simple particle, rather it is a complex one. Rather, it is a complex one having subatomic particles. इसके subatomic particles हैं, atom के subatomic particles हैं। क्या-क्या subatomic particles हैं? जैसे electron, proton, neutron, bracket में लिखें, electron, proton and neutron, इसके subatomic particles हैं। आगे बढ़िए, point number 2, atom of an element. Atom of an element may not necessarily have same mass but have the same atomic number. Atom of the element may not necessarily have same mass but have the same atomic number. तो डाल्टन ने कहा था कि एक एटम अगर सिमिलर एटम है तो उसके मास और साइज सेम हो। ये कह रहा भाई साइज का छोड़िए, मास के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं, कि मास सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। और यहीं पर डिस्कवरी ऑफ क्या हो गया, आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, तभी ये बात पता चली ना कि एक ही एलिमेंट के दो मासेस हो सकते हैं पर उनका एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम नंबर। क्योंकि आइसोटोप्स का डेफिनेशन ही यही है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो उसका एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन वैरी कर सकते हैं। तो लिखिए आगे, प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन, गलती से निकल, प्रोटॉन तो सेम ही होगा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या वैरी करती है, न्यूट्रल पार्टिकल, बट हैव द सेम एटॉमिक नंबर एंड शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, सेम नहीं होती है, सिमिलर होती है, एक जैसी ही होती है। पॉइंट नंबर 3, थर्ड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम मासेस
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम मासेस. अच्छा सेकेंड पॉइंट की वहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स. ये जो बात है उससे हमें क्या पता चल रहा है, हम लोग डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स के बारे में बात कर रहे हैं कि यही कॉन्सेप्ट था जिससे हमें पता चला कि आइसोटोप्स करके कुछ चीजें प्रेजेंट होती है. आइसोटोप्स का एक एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कार्बन 12 एंड कार्बन 14. कार्बन 12 एंड कार्बन 14 आर दी आइसोटोप्स. अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये 6 और 6 होते हैं, व्हेयर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये 6 लेकिन ये हो जाएगा 8. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो क्या होते हैं सेम होते हैं, पर न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो उसमें वैरी कर जाती है. सिमिलरली एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3. इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसकी अगर संख्या हम लोग निकालें कि किसकी क्या होती है तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन पर 0 न्यूट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन. इस प्रकार से दीज आर दी 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. इसको हाइड्रोजन, इसको ड्यूट्रियम, इसको ट्रिटियम, इस तरह के नाम से जाना जाता है. भैया नाइट्रोजन का वैल्यू बढ़ने से रिएक्टिविटी का फर्क पड़ता है? नाइट्रोजन का वैल्यू बढ़ न्यूट्रॉन का वैल्यू, न्यूट्रॉन का वैल्यू. न्यूट्रॉन से आप न्यूक्लियर रिएक्शंस में फर्क पड़ा सकते हो, केमिकल रिएक्शंस में क्या फर्क पड़ता है? केमिकल रिएक्शंस तो होती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन थ्योरी. लेकिन जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं तो फिर वहां पे न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है उसके बेसिस पे रिएक्शन होती है. वहां जब रिएक्शन होगी तो फिर वो वहां पे कुछ कर सकेगा, केमिकल रिएक्शन में से कोई फर्क नहीं. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल, अगर वहां जगह आपके है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं. एटम्स ऑफ, हाँ सेकेंड पॉइंट के नीचे अगर संभव है, और नहीं तो थर्ड पॉइंट लिखिए. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम मास बट दे ऑलवेज हैव different atomic number. Atoms of different element may have same mass but they always have different atomic number and differ in their chemical properties. Atoms of different element may have the same mass but they always have different atomic number and differ in their chemical properties. ये किसकी बात कर रहा है? Discovery of isobars. ये कर रहा है बात discovery of isobars. तो उसके नीचे लिखिएगा discovery of isobars. Isobar किसको बोलते हैं? Same mass number but different atomic number. आप देखिए argon 1840 and the other one is argon के बाद 20. Calcium 2040. They have same mass number. The mass number is same, but atomic number is different. जबकि आपने postulate में लिखा था कि different element will have different mass and different size and different chemical properties. तो यहाँ तो कह रहा है कि different element में same mass but different chemical properties हैं. तो ये भी isobars का discovery था, जिसने हम Dalton की इस law को भी क्या कर दिया, यानी इस postulate को भी क्या कर दिया, fail कर दिया. उसके नीचे example लिख लीजिएगा. और उसके बगल में लिख लिया है ना डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स. आइसोबार्स किसको बोलते हैं? हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट लिखिए, द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी. द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी according to Einstein's equation. The mass of atoms can be changed into energy according to Einstein's equation. ये मैंने आपसे पहले भी कहा है, E is equal to mc square के फॉर्मूले से मास और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टिबल है. तो ये बात अगर डाल्टन के पोस्टुलेट से देखा जाए तो उन्होंने कहा था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट मूव्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एक तरह एक जगह से दूसरे का मूव कर सकता है लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने का कोई उन्होंने आइडिया नहीं दिया था. ये मैंने एक्सेप्शन में लिखवाया था कि एक्सेप्शन इसका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि वो न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर रिएक्शन जब कभी भी होती है मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल.
ये जो इक्वेशन है इसी से ये कार्यक्रम होता है, क्योंकि डाल्टन ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आखिरी पॉइंट, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी ट्रांसम्यूटेड, TRANSMUTED, ट्रांसम्यूटेड इंटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी ट्रांसम्यूटेड इंटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखिएगा डिस्कवरी ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूशन, डिस्कवरी ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूशन। अब देखिए, डिस्कवरी ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूशन क्या कहता है, हम लोग जो पूरी की पूरी बोर एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं या बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, उस बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक मैं पढ़ाऊंगा इसे, वो है कि इनकी जो पूरी की पूरी थ्योरी थी वो सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट पर वैलिड, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट पर ही एप्लीकेबल। अब हाइड्रोजन तो समझ में आ गया, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट माने क्या, हाइड्रोजन समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट मतलब ये अगर हाइड्रोजन है तो इसमें क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अब मैं कोई दूसरा एलिमेंट लेता, जैसे मैंने लिथियम लिया, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी 3, प्रोटॉन्स की संख्या होगी 3 और न्यूट्रॉन इसका होता है 6, तो ये भी हो जाएगा 3। अब इसके ऊपर अगर मुझे बोर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल करना है, इसको Li2+ बनाना होगा, Li2+ बनेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आप क्या हो जाएगी 1, प्रोटॉन कितना होगा 3 और न्यूट्रॉन कितना होगा 3। इस प्रकार से जब आप किसी एक एलिमेंट को ट्रांसम्यूट करते हैं इंटू सम अदर एलिमेंट, आप उसके जैसा उसको क्या करते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जहां पे आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की तरह ट्रांसम्यूट करते हैं, ये भी हम लोग पहले नहीं पढ़े थे कि भाई आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की तरह ट्रांसम्यूट करा सकते हैं, उसको उसकी तरह चेंज कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी हमको डाल्टन के टाइम पे नहीं पता था। जैसे ऐसे डिस्कवरी होती गई, लोगों को पता चलता गया, और फिर डाल्टन की जो थ्योरी है वो गलत होती गई और नई नई थ्योरी आती चली। तो यह है डिस्कवरी ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूशन, पढ़ेंगे इसके बारे में, तो क्या पूरा चैप्टर ही पढ़ना है इसके बारे में, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे इसको। हाइड्रोजन जैसा बना देना है, हाइड्रोजन जैसा बना देना, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखिए, द रेशियो इन विच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सिंपल, द रेशियो इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन cannot be regarded as simple, cannot be regarded as simple, such compounds are called non-stoichiometric compound, the ratio in which atoms of different element combines cannot be regarded as simple, such compounds are called non-stoichiometric compounds and they do not follow the law of constant composition. The ratio in which atoms of different elements combine cannot be regarded as simple. Such compounds are called non-stoichiometric compound and they do not follow the law of constant composition. ये कह रहा, एक तो होता है stoichiometric compound. Stoichiometric compound मतलब CaSO4, तो या फिर आप ले लें CaCl2, इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक एटम इसके दो एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये जो रेशियो होगा ये 1:2 होगा। लेकिन ये क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया कि जैसे ये CaCl2 आप देख रहे हैं, इसका एक एलिमेंट इसके दो एलिमेंट के साथ कंबाइन किया, तो ये जो रेशियो है ये क्या है, 1:2 है। इस तरह का कंपाउंड जो सिंपल होल नंबर रेशियो में आपस में कंबाइन करता है, वाटर हाइड्रोजन के दो एलिमेंट ऑक्सीजन के एक एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, रेशियो 2:1 सिंपल रेशियो में कंबाइन कर रहा है। जरूरी नहीं दुनिया में जितने भी एलिमेंट है वो इसी रेशियो में कंबाइन करे। देयर आर एलिमेंट सच एज Fe 9.80
देर आर एलिमेंट Mg O 8.9 ऐसे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं। अगर ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो क्या ये होल नंबर रेशियो आ रहा है? नहीं आ रहा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ रहा है? नहीं आ रहा है। इस तरह के कंपाउंड जो स्टाइकियोमेट्री में नहीं रिएक्ट कर रहे, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, बिकॉज़ इसके 9.8 से इसका 1 रिएक्ट कर रहा है, इसके 1 से इसका 8.9 रिएक्ट कर रहा है, इस तरह के कंपाउंड जहां पे बनते हैं वो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड के बारे में कोई जिक्र डाल्टन ने नहीं किया था, तो ये उसकी मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी। अब रह गया सवाल कि ये हम पढ़ेंगे कब? ये पढ़ेंगे हम क्लास 12th के पहले चैप्टर में, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट के लास्ट पार्ट, जहां पे आप डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। डिफेक्ट्स के अंदर देयर इज अ टू टाइप ऑफ डिफेक्ट, वन इज स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, वन इज नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर, तो वहां पर आपको पूरे डिटेल में इसके बारे में पता जाएगा ऐसा कब हो सकता है। देयर इज एफ सेंटर फॉर्मड और फिर उस हिसाब से सारी कहानी बनती है। मोल के अंदर बात हो रही है, तो ऐसा नहीं कि वो एक इलेक्ट्रॉन का 8.9 ही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी थोड़ा मुश्किल है, जब सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। ठीक है, तो यहां तक आप, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आपने पूरा का पूरा मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी ये आपने खत्म कर लिया। जहां भी है वहां से पेज बदल लीजिए और लिखिए मोल कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालें मोल कॉन्सेप्ट। हमारे टीचर कहा करते थे मोल कॉन्सेप्ट इज अ गोल कॉन्सेप्ट, अगर समझ में आ गया तो इट इज अनमोल कॉन्सेप्ट, इफ नहीं समझ में आया तो इट इज अ गोल कॉन्सेप्ट, बट अल्टीमेटली इट इज अ मोल कॉन्सेप्ट। तो कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है, इज अ गोल कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया अनमोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वही मैं भी कह रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तब तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, नहीं समझ में आया तो इससे टफ कुछ है ही नहीं। और वो लड़की आज इसी दिन एब्सेंट है, बताइए, कल ही बोला नहीं, कॉमर्स लेने वाले बच्चों को साइंस कभी नहीं लेना चाहिए, और जो नॉन कंसिस्टेंट हो उसको तो 11th बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर आप में नहीं है 11th तो पढ़ाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जहां पे आप कुछ नया नहीं सीखे। मैं चाहूं भी तो भी मैं नहीं बैठ के आपके साथ बतिया सकता हूं जैसे 10th में बतिया। उसका रीजन है कि मेरे पास टाइम का स्कोप ही नहीं। आप खुद ही देख रहे हैं कि 500-500 पेज बोला ना आपको पढ़ाना है, अब 1000 पेज अगर आपको पढ़ाना है, एक दिन में मैं 3 पेज लिखवा पाता मैक्सिमम, बहुत किसी दिन 2 घंटे की क्लास हुई तो 4 पेज लिखवा पाता। 4 पेज मतलब 1, 2, 3, 4 ना 8 पेज आपके हिसाब से, बहुत 2 घंटा पढ़ाया तब उतना लिखवा, नहीं तो 3, 2, 2.5 यहीं तक पढ़ा पाते। अब सोचिए डिवाइड करिए, एक दिन में अगर कोई 3 पेज पढ़ा रहा है तो उसको मिनिमम कितना लेक्चर चाहिए, 300 लेक्चर चाहिए ना, 1000 पेज अगर उसको लिखवाना है तो 300 लेक्चर चाहिए। एक केमिस्ट्री की क्लास एक वीक में 3 बार करते हैं आप लोग, 3 ही बार करते हैं, महीने में कितना बार करेंगे, 12 बार, तो 12 × 12 करिएगा कितना होगा, 144 क्लास। 144 क्लास में आपको काम कितने का कराना है, 300 क्लास का। कैसे होगा, तो तभी होगा जब आप 1 सेकंड का भी सांस न ले, तभी ना होगा। और उसमें भी अगर कोई बच्चा मान लिए छुट्टी मार दी, मेरा काम कर 11th 12th में तो छुट्टी मार रहा ही नहीं, कुछ हो जाए अनलेस एंड अंटिल इतना तबीयत खराब हो गया कि आप आ ही नहीं पाए, तब तक छुट्टी नहीं। 10th में आप छुट्टी मारे होंगे, हम कभी थोड़े बोले होंगे ठीक है हम भी तो कभी मार लेंगे, नहीं कर रहा आज मैंने पढ़ा, नहीं पढ़ा, अब कल ही जैसे नहीं पढ़ाया टेंथ को, बैठा है बढ़िया कैरियर प्रोस्पेक्ट क्या करोगे 11th में, क्या करोगे 12th में, उसके बाद क्या होगा, हमसे पूछने लग गया सर आप कैसे किए, क्या क्या किए, वो उसी में कल का टाइम पास पढ़ाएंगे। तो 10th में देर इज स्कोप या देर इज नो स्कोप, कर ही नहीं सकते आप, इसलिए कोशिश करना है क्लास मिस नहीं हो।
उसमें भी मोल कॉन्सेप्ट का तो बहुत चैप्टर चल रहा है, उसमें तो बस डायमेंशन वाला पार्ट बचा है, तो उसके बाद कितने टाइम में खत्म हो जाएगा डायमेंशन? एक से दो दिन, तो उसके बाद अब एक हफ्ता का ग्राफिक्स टेस्ट तो नीचे रहा। हां हां बिल्कुल नहीं है, जैसे ही टेस्ट चैप्टर खत्म हुआ उसके एक हफ्ता बाद टेस्ट, अब वो आपके ऊपर है आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। 12th क्लास वाला सब दे रहा है, उसका तो बिल्कुल एकदम बराबर से चल रहा है, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके अगले हफ्ते टेस्ट दे रहे हैं, तो आप भी दे सकते हैं, वो तो सिस्टम 11 12 के लिए बना ही रहा है, और नहीं भी आप देते तो भी दिलवा देते हम। मोल कॉन्सेप्ट, अब देखिए ये जो मोल कॉन्सेप्ट है इसको समझना बहुत जरूरी है। मोल है क्या, मोल क्या है इसको समझने के लिए पहले तो कुछ कुछ टर्म्स हमें पढ़ने होते, जैसे एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, मास नंबर क्या है, सारी चीजें ऐसी पता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन सब को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार व्हाट इज मोल इसका एक आइडिया दे दूं। शायद 9th क्लास में मैंने आपको बताया था कि मोल किसे कहते हैं, आपको अगर ध्यान हो मैंने आपसे कहा होगा कि स्टार्टिंग जब भी मैं मोल कौन सा पढ़ाने की कहता हूं तो मैं कहता जैसे आपने सुना होगा पेयर वर्ड के बारे में, पेयर इज व्हाट, दो, दुनिया में कोई भी चीज जो दो है उसको हम पेयर बोलते हैं, चाहे वो जोड़ा ही क्यों ना, पेयर ऑफ कपल्स ना, कि कपल हो गया तो ऑलरेडी दो है, पेयर ऑफ कपल तो चार लोग हो जाए, कपल मतलब ही दो, क्योंकि कपलिंग हमेशा दो के बीच में होगा, सिंगल कपल तो होगा ही ना, कपल माने दो, पेयर ऑफ कपल मतलब चार लोग हो गए, ज्यादा हो गए, चार लोग, दो ही लोग थे, तो पेयर जैसे कपल की बात छोड़ देते, पेयर ऑफ पेंस कितने पेन हो गए, पेयर ऑफ मार्कर कितने मार्कर हो गए, पेयर ऑफ मोबाइल्स कितने मोबाइल हो गए, पेयर ऑफ फैन कितने फैन हो गए, ऐसे पेयर का मतलब दो है बस और कुछ नहीं। ऐसे जब हम लोग दर्जन की बात करते हैं तो कोई भी चीज अगर दर्जन बोला जाए, वन डजन ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, इज ऑलवेज इक्वल टू 12, चाहे मैं बोलूं एक दर्जन बच्चे बैठे हैं क्लास में 12 बच्चे हैं, एक दर्जन चेयर है मेरे क्लास में 12 चेयर, एक दर्जन पंखा लगा हुआ है यहां पे 12 पंखा, दर्जन इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नंबर गिनने के काम आता है, ज्यादातर इसको काय में यूज करते हैं भाई परचेजिंग बनाना, अभी से तो बनाना का परचेज में हम लोग वो यूज कर रहे हैं ना, व्हाट इज दैट, एक दर्जन भैया एक दर्जन केला देना, वो भी आप चूंकि ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पे जो बनाना है वो अबंडेंट में है, कुछ जगह पर बनाना भी केजी में मिलता है, कुछ जगह है जहां पे बनाना भी केजी में मिलता है, तो वहां की बात नहीं कर रहा। अब एक वर्ड होता है स्कोर, व्हाट डू मीन बाय स्कोर, स्कोर मतलब एनीथिंग व्हिच इज इक्वल टू 20, स्कोर का मतलब एनीथिंग व्हिच इज इक्वल टू 20, दुनिया में कुछ भी अगर एक स्कोर बोलूंगा तो मैं बोलूं एक स्कोर रिमोट कितने रिमोट, एक स्कोर मार्कर कितने मार्कर, एक स्कोर बच्चे कितने बच्चे, तो एक स्कोर का मतलब कितना हो गया 20 हो गया, कोई दिक्कत, ऐसे एक टन, वन टन इज इक्वल टू, वन क्विंटल इज इक्वल टू, ये सब सारा वर्ड आप लोग सुने हुए टन एंड क्विंटल, ये सब इसका स्पेसिफिकेशन फिक्स है, अब 10 क्विंटल हो गया तो आप 10 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ही मोल भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, मोल इज व्हाट, सिंपली अ नंबर, अब वो कितना नंबर है बोलिए, वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इनटू 10 डेज पर 23। साइंटिस्ट में जो स्पेशल नाम के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एवा गैद्रो, उन्होंने ये नंबर दिया, और इसलिए मैंने इसके बारे में आपसे पहले भी जिक्र किया हुआ है, एवोगैड्रो लॉ में उसने बताया कि दुनिया में जब एक वॉल्यूम कोई चीज का आप उठाते हैं तो वो किसके बराबर होता है, एनए के बराबर होता है, यही बात उसने बताई ना, तो ये एनए हमने उसके एवोगैड्रो, अब ये ऐसा क्यों की, सोचने वाली बात है कि भाई साहब ने ऐसा किया क्यों, भाई साहब ने इसको ऐसा इसलिए किया, मान लीजिए कोई बोले कि चलो बाल गिनो, जिसके हैं जिसके नहीं है उसके क्या गिनो, जिसके हैं अरे यही बच्ची की इतने बाल है, अभी है तो है मेरे नहीं है तो भी है, तो गिन पाएंगे क्या, आप नहीं गिन सकते, मैं बोलूं आप वो चीनी का बोरी से चीनी गिनो, या फिर मैं
बालू जो बाहर गिरा रहता है कंस्ट्रक्शन वाला, अब एक लेबर को लगाते हो तो बालू भी ना होएगे, जिंदगी में गिन पाएगी? जैसे बालू की संख्या है वैसी एटम्स की भी संख्या है, पूरा दुनिया तो एटम से ही बना हुआ है, तब एटम्स की संख्या उसको कैसे गिनती करोगे? तो उन्होंने क्या किया, एक इतने बड़े से नंबर को एक छोटा सा नाम दे दिया, क्या बोला, एन ए, एवोगैड्रो कांस्टेंट, या एवोगैड्रो नंबर। अब वो नंबर क्या है, 10^23। इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे इस एंड से बोर्ड के, उस एंड तक में भी हो सकता है इनों से बोर्ड के बाहर उधर जाना पड़ जाए, उतने सारे एटम्स को उसने एक छोटा सा नाम दे दिया एवोगैड्रो नंबर, और उसको बोला वो किसके बराबर होता है, एक मोल के बराबर। अच्छा यही बात अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मोल रिमोट मतलब कितने रिमोट, तो क्या आंसर होगा, 6.022 × 10^23। मैं बोलूं एक मोल मार्कर मतलब कितने मार्कर करोगे, 6.022 × 10^23। एक मोल फैन में कितने फैन होंगे, 6.022 × 10^23। अब मैं बोल रहा हूं एक मोल कार्बन एटम में कितने, एक मोल कार्बन अगर बोल रहा हूं मैं, एक मोल कार्बन एटम उसमें कितने एटम ऑफ कार्बन होंगे, अगर बोले एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 होंगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 होंगे, एक मोल ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 होंगे। जहां मोल वर्ड आ गया वहां पे वो जो कुछ भी है वो उसका नंबर क्या हो जाएगा, जैसे जहां स्कोर वर्ड आ रहा था तब क्या बोलते थे वो दुनिया में कुछ भी, मैं बोलूं टोपी भाई साहब पहन के आए वो टोपी, एक स्कोर टोपी है कितने टोपी होगा, तो जैसे अब मैं बोलूं एक मोल टोपी है तो कितना होगा, 6.022 × 10^23 टोपी। मैं एक मोल मास्क बोल रहा हूं कितने मास्क होंगे, 6.022 × 10^23। सीधा एक नंबर है और कुछ नहीं, ये बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट को ही ध्यान रखना है, एक मोल इज इक्वल टू व्हाट, वन मोल इज इक्वल टू एक नंबर है तो 6.022 × 10^23 के बराबर। इतना अगर आपको ध्यान रहेगा तो मोल कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब ये तो जस्ट शुरुआत है, पर मोल कॉन्सेप्ट का ये अगर आपका क्लियर है कि मोल कुछ नहीं सिर्फ हो जाए, मैं एक मोल गाड़ी माने 6.022 × 10^23। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में तो और डिटेल में पता कर पाएंगे कि और मोल क्या क्या है, पर बेसिकली मोल सिर्फ एक नंबर है जो एवोगैड्रो ने दिया और वो कितना है, 6.022 × 10^23 के बराबर। डन, ये चीज लिखना है हम लोगों को, पर नॉट नाउ, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे थोड़ा आगे चल के जब हम सारे मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये सब पढ़ लेंगे उसके बाद। अभी फिलहाल अच्छा, अभी मेरे मन में एक डाउट भी आना चाहिए, साहब ये नंबर आप लाए कहां से, मैं साहब ये नंबर लेके कहां से, अभी तो सिर्फ आपको मैंने बताया कि मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, पर ये नंबर कहां से आया, ये तो अभी कुछ बताया क्या, मैंने बताया कि कहां से आया, नहीं बताया ना, पर ये नंबर आया होगा कहीं से तो आया होगा, ये नंबर लाएंगे तो वो क्लास शायद मुझे लगता है अगली क्लास में हम लोग नंबर ला पाएंगे कि ये नंबर कहां से लाए थे अब नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने लिखना स्टार्ट करिए, पहला ये मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, अब एक्चुअल मोल कॉन्सेप्ट तब आएगा जब हम उस पोजीशन में आ जाएंगे कि इस नंबर को हम निकाल सकें, मोल कॉन्सेप्ट का जो ये नंबर है ये नंबर तब निकालेंगे जब हमें बहुत सारी चीजें वो नंबर निकालने के लिए जितनी बुद्धि चाहिए उतना हमें हो जाएगा, तब ना वो नंबर आप निकालिएगा, तो वहां तक पहुंचने से वहां तक पहुंचने के लिए सारी चीजों को लिखना स्टार्ट करें। राइट, एटॉमिक मास फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास, कोई बता, कोई अगर जानता हो तो बताए व्हाट इज एटॉमिक मास, प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम, वाह क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ, नहीं मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, चलिए ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, क्यों इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या बिगाड़ा आपका, वो नेगलिजिबल मास था इसलिए उसको छोड़ देंगे, पर मास ऑफ द एटम में तो सभी आएगा, पर ये तो हो गया उसको निकालने का तरीका, मैं पूछ रहा हूं सर डेफिनेशन क्या होगा, लिखिए एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज, एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट एक्सप्रेसेस, अ नंबर दैट एक्सप्रेसेस एज एज टू हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, a number that expresses as to how many times an atom of an element is heavier than
1/12 of the mass of carbon atom. Atomic mass is defined as a number that expresses as to how many times an atom of an element is heavier than 1/12 of the mass of carbon atom. 1/12 of the mass of carbon atom. क्या चमत्कारी डेफिनेशन दिया, कह रहा है कि दुनिया में जो भी एलिमेंट है उसको हम कंपेयर करते हैं 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम, और इससे अगर वो भारी निकला या हल्का निकलेगा, कोई चीज होगी, अगर आप इसको स्टैंडर्ड माने हैं तो कुछ इससे छोटा होगा और कुछ इससे बड़ा होगा। मेरे मन में ये डाउट आना चाहिए कि साहब आपने कार्बन एटम क्यों लिया, कार्बन एटम से ही क्यों कंपेयर कर रहे, या हाइड्रोजन को भी कर सकते थे, ऑक्सीजन को भी कर सकते थे, आप कार्बन को क्यों ले रहे? कार्बन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कार्बन इज द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड एलिमेंट ऑन दिस अर्थ क्रस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। वेरियस फॉर्म्स मतलब उसके कई सारे एलियोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, जो हम लोग शायद ऑर्गेनिक में मैंने आपको क्लास 10th में पढ़ाया था, कुछ डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलर, फुलरेंस, दुनिया में जो कुछ भी है सब अल्टीमेटली कार्बन ही है। आप इन अगल बगल में जो भी चीजें आप देख रहे हैं लगभग सारी चीजें कार्बन से बनी, या उसमें कुछ ना कुछ कार्बन का कंटेंट है ही, हम लोग के शरीर में तो है ही, लकड़ी में है ही, आप अगल बगल जो भी देखेंगे कहीं ना कहीं उसमें कार्बन का कुछ ना कुछ कंटेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली या तो हमारे धरती के अर्थक्रस्ट से आया है और उसका अबंडेंस बहुत ज्यादा है। द मेन रीजन इज कि ये बहुत इजीली अवेलेबल है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मेरे को अगर हवाओं में डेंसिटी निकालनी है कि कौन सा हवा हेवियर है, कौन सा है हवा जो है वो लाइटर है, तो आप किसको स्टैंडर्ड मानेंगे, जो इजीली अवेलेबल हवा होगी। सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल हवा क्या हो सकती है, जो भी हमें इजीली प्राप्त होगा उसी को ना आप स्टैंडर्ड मानिएगा। मान लीजिए हमको ये देखना है कि कोई लिक्विड तरल है कि नहीं, या लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है या कम है, तो किसी एक को स्टैंडर्ड मानिएगा भाई, इससे ज्यादा कि इससे कम। तो जिसको आपने स्टैंडर्ड माना, सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी किसकी है लिक्विड में, पानी की, पानी को ही ना स्टैंडर्ड मानेंगे। तो आप देखिएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज वन, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या मानते हैं, वन मानते हैं। अब वन से ऊपर की वन से नीचे, डेंसिटी ऑफ वाटर के रिलेटिवली आप कंपेयर करते हैं, इससे ज्यादा है कि इससे कम है। तो ऐसी चीज जो हर जगह अवेलेबल है उसको हम क्या मान लेते हैं, वन मान। सिमिलरली इस केस में कार्बन एटम का जो मास है वो होता कितना है, 12 ग्राम। कार्बन एटम का जो मास होता है वो कितना ग्राम होता है, 12 ग्राम। उसको आप 1/12 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 ग्राम। अब इससे, अब ग्राम बोले या एटॉमिक मास यूनिट, एक्चुअली इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम भी इसी को बोलते हैं, पर एक्चुअली बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो एएमयू आपने मिला 1 एएमयू, या तो वो 1 एएमयू से छोटा है, नहीं तो 1 एएमयू से बड़ा है। अगर वो इससे बड़ा है तो कितने टाइम्स बड़ा है, 2 गुना बड़ा, 4 गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा, या छोटा है तो 1 गुना छोटा, 2 गुना छोटा, 5 गुना छोटा, 10 गुना छोटा, बस समझ आ रहा है। तो इस प्रकार से आपने कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में जब किसी दूसरे एलिमेंट का मास निकाला और ये पता किया कि वो इससे भारी है कि इससे हल्का है और कितने टाइम्स हल्का या भारी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। आप डेफिनेशन को एक बार और पढ़िए। एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज अ नंबर, क्या बोला, अ नंबर, सिर्फ एक नंबर, कितना गुना, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, कितने गुना, अ नंबर दैट एक्सप्रेसेस एज टू हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ कार्बन। 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से कितना गुना भारी है कि कितना गुना कम है, इसी को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। देन उसके नीचे लिखिए एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एंड denoted by mu, it is denoted by mu, ये जो AMU है इसको हम लोग mu से denote करते हैं, atomic mass unit AMU, इसको हम लोग
AMU को हम लोग म्यू से डिनोट कर, तो ये आप अपनी कॉपी में लिखिए, उसके नीचे लिखिए फॉर्मूला, राइट दी फॉर्मूला, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, जिसको आप पता करना चाहते हैं कि उसका मास कितना है, मास ऑफ एटम होल डिवाइडेड बाय 1 by 12 द मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन। तो किसी भी एटम का मास डिवाइडेड बाय 1 by 12 द मास ऑफ कार्बन एटम जब आप करते हैं, वो भी कार्बन एटम कौन सा लेंगे, ब्रैकेट में लिखिएगा C12 होगा, आपको कौन सा लेना है C12, ऐसा नहीं C14 के साथ कंपेयर करते हैं, C12 के साथ जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो जो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। उसके नीचे एक लाइन लिखिए, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू, द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कोई दिक्कत नहीं। अब 1 AMU इज इक्वल टू होता कितना है, लिखिए उसके नीचे, 1 AMU इज इक्वल टू, 1 AMU इज इक्वल टू, नंबर को ध्यान से लिखिएगा, 1.66056 इंटू 10⁻²⁴ ग्राम, इंटू 10⁻²⁴ ग्राम। एक AMU जो है वो किसके बराबर होता है, 1.66056 इंटू 10⁻²⁴ ग्राम, और इसको एक डाल्टन के बराबर भी बोलते हैं। दिस सेम थिंग इज ऑल्सो नोन एज वन डाल्टन, वन डाल्टन लिख लीजिए, दिस इज ओनली नोन एज वन डाल्टन, वन डाल्टन, वन डाल्टन। ये बात समझ में आ गई। अब वन डाल्टन या वन म्यू या ये कुछ भी, यहां से मुझे ये समझ में आना चाहिए कि एक एटॉमिक मास किसके बराबर हुआ। सपोज करिए मैं हाइड्रोजन के लिए कुछ निकाल रहा हूं, सपोज हाइड्रोजन का मास निकालना चाहता हूं, तो हाइड्रोजन का मास जब आप निकालेंगे तो यहां पे आप क्या लिखोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन, और यहां क्या लिखोगे, 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम, जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है, 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर है, इसके बराबर है। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या निकलेगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन निकलेगा। आप लिखो एटॉमिक मास, एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, अगर मुझे कोई बोले एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन निकालो, क्या बोल रहा है मुझे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए कह रहा है। अगर कोई मुझे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने बोलेगा, मैं लिखूंगा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, मास ऑफ हाइड्रोजन। अभी आपको नहीं पता, मैं ये डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लिखिए 1.6736 इंटू 10⁻²⁴ ग्राम, 1.6736 इंटू 10⁻²⁴ ग्राम। कोई दिक्कत, ये एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है, 1.6736 इंटू 10⁻⁴ मास ऑफ एन एटम,
एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का इतना मास हो गया। अब आप कहेंगे सर ये आया कहां से, डाउट आएगा ये कहां से आप पैदा करते, चाहिएगा तो फट से समझ लेंगे, मैं यहां साइड में। अभी आप क्या जान दें, एक ग्राम एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन, अभी तो आप ये जानते हैं क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट अभी आपको पूरा पढ़ाया नहीं है, पर जो कैलकुलेशन बोल रहा हूं ये आप समझ जाइए, ये कैसे लाया, ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है पढ़ने के बाद समझ में आया, पर ये आया कहां से वो आप तुरंत समझ सकते हैं। कह रहे 6.022 × 10⁻²³, इतने एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होता है, समझिएगा ध्यान से, ये 1 मोल है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम के बराबर होता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम के बराबर, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब कितने हाइड्रोजन, 6.022 × 10⁻²³, तो 6.022 × 10⁻²³ एटम किसके बराबर, 1 ग्राम के बराबर। ये रिलेशनशिप कहां से लाए वो आप छोड़ दीजिए, वो जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, या आप समझ भी सकते हैं, मैंने तो पढ़ाया है, एक रिलेशनशिप लिखवाए ना, 1 volume = 22.4 liter = 6.022 = molecular atomic mass of that particular element, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, इसलिए वही रिलेशनशिप को लिखा है, रिक्वायर्ड है एक रिलेशनशिप। अब इतने एटम का 1 ग्राम, तो हमको क्या चाहिए, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का चाहिए, इतने एटम का 1 ग्राम, तो एक एटम का मास कितना होगा, 1/6.022 × 10⁻²³ ग्राम, इसको जब डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो आता है 1.6736 × 10⁻²-24। अच्छा भाई मोल कॉन्सेप्ट से ही आया, तो ये आपको एटम का मास आ गया, किस एटम का, हाइड्रोजन एटम का मास आ गया, ये फॉर्मूले में हमने इसको यहां पुट कर दिया, नीचे 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम जो कि 1 amu के बराबर होता है, क्योंकि 1 amu का आपने क्या डिफाइन किया, पढ़िए जरा, 1 amu इज इक्वल टू 1 एटॉमिक यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ये इसके बराबर, यही चीज मुझे कहां लिखना है, यहां लिखना है, इसको उठाकर मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं। अब आपके मन में फिर से डाउट आएगा, सही नंबर कहां से आया, ये नंबर आप कहां कहां से पैदा कर ले रहे हैं, कहीं से नहीं पैदा किया, सेम कॉन्सेप्ट से पैदा किया। अब हमने ये किसके लिए निकाला था, हाइड्रोजन के लिए, यही लगे आप तो कार्बन चेक कर लीजिए, कार्बन के लिए निकालेंगे क्या लिखेंगे, 6.022 × 10⁻²³ एटम ये निकाला था हाइड्रोजन के लिए, और ये आप किसके लिए निकाल रहे हैं, कार्बन के लिए, ये किसके बराबर होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर, जो कि 12 ग्राम होता है, एक एटम का मास कितना होगा, एक एटम इज इक्वल टू 12/6.022 × 10⁻²³, इसको जो आप डिवाइड कीजिएगा आंसर आएगा 1.66056 × 10⁻²-24 ग्राम। ये समझ में आ गया लॉजिक, ये दोनों नंबर हमारे यहां से निकल के आ गए, ठीक है, हम किसका एटॉमिक मास, किसका एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है उसको थोड़े देर में समझते हैं। इसको जैसे ही आप डिवाइड करके सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये वाला और ये वाला क्या हो गया कैंसिल, कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा, कैलकुलेटर से आप डिवाइड करिए 1.6736 डिवाइडेड बाय 1.66056, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा वैल्यू आता है 1.0078, इसको सॉल्व करते हैं आता है 1.0078, इसको ही क्या बोलेंगे म्यू बोलेंगे, दिस इज ओनली व्हाट इज कॉल्ड एज म्यू। अब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है 1.0078 amu, amu मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम का मास ये था, लेकिन जब आप इसको डिवाइड कर दिए एटॉमिक मास वाले फॉर्मूले में डाल के तो आपको 1.0078 आया, यही जो वैल्यू है वो
वैल्यू इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, और इसी के बेसिस पे आप कहते हैं कि अभी कार्बन से कितना गुना लाइटर है, तो आप कहेंगे ये कार्बन के मास से 1 गुना लाइटर है, माने ये हेवियर नहीं होगा ना, दोनों के मास को कंपेयर करिएगा तो क्या होगा, ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है 1.00। अगर ये माने 2 पॉइंट समथिंग आता तो आप क्या बोलते, एक एटम ऑफ कार्बन से ये दो गुना बड़ा है, अगर ये 3 टाइम्स आता तो क्या बोलते, एक एटम ऑफ कार्बन से ये 3 गुना भारी है। तो आप डेफिनेशन को एक बार वापस से देखिए, एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज अ नंबर, एटॉमिक मास देखिए, एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट एक्सप्रेसेस एज टू हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन। ये हाइड्रोजन का एटम कार्बन के एक एटम से कितना गुना भारी है, तो कितना गुना भारी है, 1.0078 गुना भारी है, heavier than 1/12 the mass of a carbon atom। इसी को हमने क्या define किया, atomic mass या atomic mass unit, इसका ये हो गया, उसका unit हो गया, atomic mass unit, AMU जिसको बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, एक note डाल के लिखिए, carbon is chosen as the standard because कार्बन इज चूजन एज द स्टैंडर्ड बिकॉज, कार्बन को स्टैंडर्ड क्यों चुना गया होगा, इसके अबंडेंस के लिए, राइट, इट इज अबंडेंटली फाउंड एवरीवेयर, इट इज अबंडेंटली फाउंड एवरीवेयर, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आप पीरियोडिक टेबल जब खोल के देखिएगा, जहां पे आपको लिस्ट ऑफ एटम्स और उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर दिया रहता है, कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो मास है वो पूरा पूरा होल नंबर में, नहीं तो बाकी सब कोई 1.00 ज्यादा है, कोई कम है, माने है 40, लेकिन आप उसको अगर एग्जैक्टली पता करिए और निकलेगा 40.0032। एक कार्बन ही ऐसा है जो एग्जैक्टली कितना है, 12 ग्राम के बराबर। तो सेकेंड रीजन है, मास ऑफ द एटम इज अ होल नंबर, मास ऑफ द एटम is a whole number, mass of the atom is a whole number, ये mass of atom बोल रहे थे वो amu में आ रहा है, 12 amu कैसे, मतलब mass of atom हो गया तो वो 12 amu हो गया, mass of atom को अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि जब आप इसका मास निकालने जाइएगा ना तो वो 1 ग्राम आ जाएगा, तो आप बोल रहे हैं कि एटॉमिक 1.0078 इसका एमयू भी है और जब आप मास निकाल रहे हैं तो वो भी 1.0078 आ जाएगा, तो हम क्या म्यू बोलो या ग्राम बोलो, बात एक ही है। आगे चलते हैं, इसलिए देखिए कहीं मैं अगर 1 लिख रहा हूँ कहीं पे 12 ग्राम लिख रहा हूँ, दोनों एक ही माना है। अब यहाँ 12 ग्राम लिख दिया, यहाँ 1 ग्राम लिखा, फिर मैंने एक जगह लिखा था, आपको ध्यान होगा मैंने 1 ग्राम लिखा, बिल्कुल नहीं, ग्राम मत लिखिए, एमयू लिखिए। अभी थोड़ी देर पहले किया ना यहाँ पे कि ग्राम है और उसके नीचे भी बोला नहीं यार ग्राम मत लिखिए, एमयू लिखिए, दोनों आराम से लिख सकते हो, लेकिन अभी नहीं क्योंकि अभी आप जानते नहीं, थोड़े देर के बाद जब आप पता कर लेंगे कि जो एमयू आ रहा है वही एग्जैक्टली उसका मास भी आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, फिर तो आप दोनों को इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं, जहां पर म्यू लिखा उसके जगह आप ग्राम भी लिख देंगे, तो उसको फिर क्या बोलते हैं, व्हेन, वो एक टॉपिक है, वहां पर आप लिखेंगे व्हेन द मास ऑफ एन एटम इज टर्म्ड इन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम देन इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप, एटॉमिक मास पढ़, एक टॉपिक आएगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास मतलब सेम एटॉमिक मास को जब आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो ये सेम है, आप एमयू बोल रहे हैं और फिर बाद में चल के आप उसी म्यू के जगह पे आप जीएम लिखना स्टार्ट करते हैं, वो ग्राम एटॉमिक मास है, क्योंकि नंबर दोनों के सेम आ रहे हैं इसलिए हम लोग दोनों इंटरचेंजेबली लिख रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली दो आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये एकदम अलग चीज है वो एकदम अलग चीज है, ठीक है, एमयू और ग्राम का रिलेशन, हां वो बिल्कुल अलग अलग। खैर अभी जो मैं बोलना चाह रहा था जो आपने बीच में वो कर दिया, मास लोग यहां मास ऑफ ऑक्सीजन आपसे निकालने कह रहा, लिखिए मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा, तो एग्जांपल नंबर 2 लिखिए, नोट खत्म हो गया। अभी मैं पूछ रहा हूं मास ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए क्या करना होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन में 1/12 मास, तो पहले हमें तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिखना होगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ऊपर लिखाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 1/12, तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर हमें चेंज करना होगा,
अगर न्यूमरेटर हमें चेंज करना है तो सेम लॉजिक, जो लॉजिक अभी हमने यहाँ लगाया हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए, वही वाली लॉजिक आपको क्या करनी होगी, वापस से लगानी होगी। चलिए लगाते हैं उसको, लेकिन उसके लिए एक इंफॉर्मेशन हमें पहले से पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है। तो जब आप ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे तो आप लिखेंगे क्या होता है, 6.022 × 10⁰³ इतने एटम्स इज इक्वल टू कितना ग्राम, 16 ग्राम। एक एटम का मास कितना होगा, यह आएगा 16 ग्राम बाई 6.022 × 10⁰³। इसको डिवाइड देना होगा, इसको आपको क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। नॉर्मल कैलकुलेटर तो ये नहीं कर पाएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर हम लोग इसे डिवाइड दे सकते हैं, 6.022। जब इसे डिवाइड दे रहे हैं, ये आ रहा है 2.65 × 10⁻²⁴ ग्राम। ये आ रहा है 2.65 × 10⁻²⁴ ग्राम, नहीं ये 26.5 हो जाएगा अगर ऐसा होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 26.5। एक डेसिमल आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा, क्योंकि 23 से वो किसमें जा रहा है, 24 में जा रहा है। अब अगर मैं यही चीज को इस वाले फॉर्मूले में पुट करता हूं इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, इसको आप फाइंड करने के लिए क्या करोगे, यहां पे थोड़ा सा चेंज करोगे और ऊपर वाला मास भी चेंज करना होगा, ऊपर वाला मास भी आप क्या करोगे, चेंज करोगे। ऊपर वाला मास चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 26.5 × 10⁻²⁴। जब आप इसे डिवाइड दोगे, जब आप इसे क्या करोगे, डिवाइड दोगे, 26.5 / 1.66056, जब आप डिवाइड दोगे 26.5 / 1.66056, 15.056 आंसर आ रहा है, 15.95 कितना है, 15.95 μ। अरे चमत्कार हुआ, क्या चमत्कार हुआ, चमत्कार ये हुआ कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जब आप निकाल रहे थे तो हमें ये पता चला कि कार्बन एटम से एग्जैक्टली ऑक्सीजन का जो एटम है वो कितना गुना भारी है, 15.96 गुना भारी है, या मैं इसे थोड़ा अप्रोक्सीमेटली लिखूं तो 16 गुना भारी लिख दूंगा। बात समझ में आ रहा है, दी एटॉमिक, एक एटम का मास जो एक ऑक्सीजन एटम है उसका, एक एटम मतलब समझ रहे हैं, सेल जैसा हो, उसका मास जब कार्बन एटम के एक एटम के मास के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, यानी दोनों का एक एक एटम को डिवाइड कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि जो ऑक्सीजन का मास है, एटॉमिक मास, वो 16 गुना है कार्बन के मास से, कार्बन के मास से भी 1/12 कार्बन के मास से, और 1/12 कर दिए कार्बन के मास तो वो तो 1 के आसपास आ गया ना, दैट इज 1/12 ऑफ 12 ग्राम इज 1 ओनली। तो आप क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, इसको उसके 1/12 यानी एक एटम के मास से डिवाइड कर रहे हैं, वो कितना आ रहा है, 15.95, माने 16 गुना भारी है, होना भी चाहिए, इसीलिए तो उसका एटॉमिक मास 16 है, और ये म्यू में आ रहा है और ये ग्राम में है। बाद में चल के बोलेंगे ना कि जो म्यू में आ रहा है जो ग्राम आ रहा है वो था सेम ओनली, तो जहां म्यू है वहां ग्राम भी लिख सकते हो, और उसके लिए एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बोल रहे हैं, यानी एक एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ एक एटम ऑफ कार्बन, उसको जब कंपेयर कर रहे हैं तो पता चलता है कि वो उससे कितना गुना भारी है, इसलिए उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो ही क्या है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्यों है, उसका रीजन मैंने अभी आपको लिखवा दिया, तो आपको अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो व्हाट इज एटॉमिक मास। सेकंड टॉपिक डालें एवरेज एटॉमिक मास, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एवरेज एटॉमिक मास। तो ये पूरा मिटा दिया है, ये कार्बन वाला ऑक्सीजन वाला लिख लिया आपने, अब उसके नीचे देखिए एवरेज एटॉमिक मास आप लिखते हैं, एवरेज एटॉमिक मास का राइट डेफिनेशन लिखिए, मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज, मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटोप्स, mixture of several isotopes
तो अगर कोई मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एक एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन का, जिसमें आपने पढ़ा हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, एक एग्जांपल आपने पढ़ा कार्बन का, एक एग्जांपल होता है आइसोटोप का, आइसोटोप्स का क्लोरीन का, एक होता है बोरोन का। अब अगर मैं तो वैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल आपको कराऊंगा, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि भाई क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 कैसा है, क्लोरीन एक तो एक किसका आइसोटोप क्या है, क्लोरीन 17 और दूसरा क्लोरीन 19, इज इट 19 और ये है कि 15 और 19, 19 और ये है, 19 और 17 है। अब ये क्लोरीन 17 और क्लोरीन 19 का बीच-बीच का कुछ होना चाहिए। खैर पहले हम लोग समझते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है, फिर हम लोग देखेंगे। तो याद रखिएगा एवरेज एटॉमिक मास हमेशा कहां निकलता है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट आइसोटोप्स। जिस एलिमेंट का आइसोटोप होगा उसी का ना एवरेज, जिसका आइसोटोप नहीं उसका एवरेज कैसा, और जहां एवरेज वहां अबंडेंस, अ वर्ड कॉल्ड एज अबंडेंस, नेचर में कौन कितनी मात्रा में पाया जाता है। मान लीजिए मैं एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, मैं कहा आपके सक्सेस होने का जो रीजन है उसमें मैं परसेंटेज बता रहा हूं कि किसका किसका कितना कंट्रीब्यूशन। तो आप ऐसे चार पांच लोगों का नाम बोलेंगे कि नहीं मेरे स्कूल के टीचर ने मेरे को बहुत मदद किया, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत मदद किया, कोई बड़ा भाई बहन होगा उन्होंने मुझे बहुत मदद किया, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, आपके जो दोस्त यार हैं उन्होंने बहुत मदद किया, और लास्टली आपका जो टीचर था गरीब मास्टर उन्होंने भी आपको थोड़ा बहुत मदद किया। अब इन सारे में से यू विल डिसाइड नो कि विच हैज एक्चुअली हेल्प्ड यू By what percent? अगर पांच लोग आपको मदद कर रहे हैं तो आप कुछ परसेंटेज डिसाइड करें। चलो शशांक से एग्जांपल में ले लेते हैं। शशांक पांच फैक्टर बता रहा हूँ, आपके फैमिली, फैमिली मेंबर्स, उसके बाद आपके स्कूल टीचर्स, उसके बाद आपके फ्रेंड्स, उसके बाद आपके ब्रदर सिस्टर, नहीं माने डिस्टेंट ब्रदर सिस्टर, ऐसे कोई भी तो हो सकता है ब्रदर सिस्टर जो बड़ा भाई बड़ी बहन, और फिर मान लीजिए यहाँ एक्स फैक्टर ही ऐसे लिखते हैं, एक्स फैक्टर मैं क्यों एक्स फैक्टर लिखते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर तुम 100% आप सक्सेसफुल हुए हो तो इसमें तुम कुछ परसेंटेज भरो, डोंट बी बायस्ड, बायस्ड नहीं होना है कि नहीं सर पूछ रहे तो सर को ज़्यादा परसेंटेज देना, ऐसा नहीं, जो फैक्ट है उसको बोलिए, बताइए। 20 स्कूल टीचर का आप 10% आगे बढ़ना, फ्रेंड्स का 30 गुड, 0 सबसे बड़े अमीर है, अच्छा और 60 होगा तो 40 आ गए। तो इस प्रकार से आपने वो सारा परसेंटेज दे दिया कि इस प्रकार से आपका सारा परसेंटेज है। अब जब आपका सक्सेस डिफाइन होगा तो आप इसके परसेंटेज से निकाल पाएंगे ना कि वो जो इसका पूरा पूरा जो श्रेय है वो किसको ज्यादा जाता है। बात समझ में आ रहा है? ये वॉज सिंपल कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग 100% यानी 100% सक्सेसफुल होने के लिए इनकी लाइफ में किन किन का कंट्रीब्यूशन है। ऐसे ही जब एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं तो उसे देखेंगे इसके मास को बनाने के लिए इसका कितना कंट्रीब्यूशन और इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो पता चलता है इसके परसेंटेज अबंडेंस से। कैसे पता चलता है? इनके परसेंटेज अबंडेंस से, कितना ये प्रेजेंट है नेचर में, और उसी के हिसाब से उसकी हम क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं। जितना इसका एटॉमिक मास उसको इसके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया, प्लस जितना इसका एटॉमिक मास उसको इसके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया, और तब जाके इसका फॉर्मूला बनता है। तो जहां कहीं आइसोटोप्स है वहीं पर आप क्या निकाल सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो पहले डेफिनेशन कंप्लीट करिए, राइट। मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटोप्स, ब्रैकेट में लिखिएगा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटोप्स, ब्रैकेट में लिखिए सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इन सच केस द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इन सच केस द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू the average of is equal to the average of in such case
the atomic mass of an element is equal to the average of atomic mass of all the isotopes. The atomic mass of an element, the atomic mass of an isotopes, then pura likh liye. So this term is known as average atomic mass. This term is known as average atomic mass, and it is generally expressed in fractions. It is generally expressed in fraction. इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं. फॉर्मूला लिखिए, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, इसके नीचे उसका फॉर्मूला लिखिए, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समेशन पी आई ए आई बाई 100, समेशन PIAI by 100. What is PIAI? Percentage abundance or उसका atomic unit. और ये कहां से कहां जाएगा? This will grow from, this will go for, from I is equal to 1 से लेकर जितने भी isotopes इसके होंगे. यानी इसको जब आप खोल कर लिखेंगे, what you will write is P1A1 plus P2A2 प्लस P3A3 प्लस .. PNAN होल डिवाइडेड बाई 100. वेयर, लिख लीजिए उसके नीचे, वेयर P इज परसेंटेज अबंडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आइसोटोप्स, वेयर P इज परसेंटेज अबंडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आइसोटोप. एंड A लिखिए एटॉमिक मास of that particular isotope, atomic mass of that particular isotopes. एक hypothetical example ले रहे हैं, right? क्वेश्चन लिखिए, calculate the average atomic mass of hydrogen, calculate the average atomic mass of hydrogen having percentage abundance as, मैंने hypothetical example ले रहा हूं, अपने मन से बनाया है, ऐसा एग्जैक्टली यही डेटा आपको मिले ऐसा जरूरी नहीं. जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ऐसे एक एग्जांपल ले रहे हैं. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हैविंग परसेंटेज अबंडेंस एज 90% फॉर प्रोटियम, 7% फॉर ड्यूट्रियम एंड 3% फॉर ट्रिटियम. Calculate the average atomic mass of hydrogen having percentage abundance as 90% for protium, 7% for deuterium and 3% for tritium. अब देखिए जो सवाल आपको दिया गया है उसमें उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि हाइड्रोजन 1 इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो है 90%, हाइड्रोजन 2 इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है दैट इज 7% और हाइड्रोजन 3 इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है दैट इज 3%. डोंट कंसीडर दिस साइड, वो नहीं तो आप सोचेंगे H1 H2 H3 लिखा हुआ है, 1 2 3. नाउ यू विल कंसीडर इट टू बी एटॉमिक मास. अब अगर इसका परसेंटेज अबंडेंस 90% है तो इसका मास नंबर क्या होगा? इसका मास नंबर तो क्या होता है? 1 ही होता है. इसका मास नंबर क्या होगा? इसका मास नंबर 2 होगा. और इसका मास नंबर क्या होगा? इसका मास नंबर 3 होगा. ये एटॉमिक मास 1, एटॉमिक मास 2 एंड एटॉमिक मास 3. अब इस फॉर्मूले को, ये एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये एटॉमिक मास नंबर है. अब इसको जब हम लोग परसेंटेज अबंडेंस निकालेंगे, यानी परसेंटेज सॉरी एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास जब कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला कहता है परसेंटेज दिस इनटू मास ऑफ दिस 90 इनटू 1 प्लस 7 इनटू 2 प्लस 3 इनटू 3 होल डिवाइडेड बाय 100.
इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा आएगा 90 प्लस 14 प्लस 9 बाय 100, यस कितना है 113 बाय 100, दैट इज इक्वल टू 1.13। ये जो आपका 1.13 आया, ये इस तीनों हाइड्रोजन का मिलाकर क्या निकला, एवरेज एटॉमिक मास। जहां आइसोटोप्स हैं वहां पर जो मास निकल कर आता है या एटॉमिक यूनिट निकल के आता है वो क्या आता है, एवरेज एटॉमिक मास निकल कर आता है। डन, एक और सवाल करिए। राइट, बोरोन ऑकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप्स, बोरोन ऑकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप्स, ये समझ में आया ना एग्जांपल, ठीक है। तो ये जहां कहीं भी एक से ज्यादा एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं वहां पर आपको एटॉमिक मास नहीं निकालना होता, वहां पे आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना। तो जहां कहीं भी ये वाला सवाल आएगा कॉन्सेप्ट का, वो ऑलवेज आएगा फॉर आइसोटोप्स, क्योंकि जिसके पास आइसोटोप्स होंगे उसी का आप एवरेज निकालोगे, जिसका आइसोटोप्स है ही नहीं उसका एवरेज क्या। लिखिए जैसे एवरेज के टाइम पे तो डिवाइडेड बाय n करते ना, n नंबर नाम एवरेज है, परसेंटेज का एवरेज ले रहे ना, इसलिए 100 से डिवाइड किए। आपने एवरेज किसका लिया, परसेंटेज का एवरेज लिया, इसलिए डिवाइडेड बाय 100 का। राइट, बोरोन ऑकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप्स हैविंग एटॉमिक मास 10 एंड 11, हैविंग एटॉमिक मास 10 एंड 11, व्हाट आर the percentage abundance of two isotopes, what are the percentage abundance of two isotopes in a sample of boron, in a sample of boron having average atomic mass as 10.8. boron occurs in nature in the form of two isotopes having atomic mass 10 and 11. What are the percentage abundance of two isotopes in a sample of boron having average atomic mass equal to 10.8? Average atomic mass 10.8 आ जाए, उसके लिए boron के जो दोनों isotopes हैं उसका abundance आपको निकालना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है सवाल? सवाल आपसे इस बार क्या पूछा है, इस बार आपको परसेंटेज अबंडेंस नहीं दिया गया है, रादर इस बार एवरेज एटॉमिक मास दे दिया गया। पिछले सवाल में क्या था, परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ था, एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहा था। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद आप लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग इसका, क्या रहा है, लेट पी वन बी दी परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरोन 10, इसको हमने x मान, तो p2 क्या होगा, p2 भी दी परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरोन 11, दैट इज 100 माइनस x। एक को अगर आप x मानोगे तो दूसरे को क्या मानोगे, 100 माइनस x मानोगे। अब फॉर्मूला आप लिख रहे हैं एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक, एवरेज एटॉमिक मास है ना, एवरेज एटॉमिक नंबर है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू पी वन ए वन प्लस पी टू ए टू होल डिवाइडेड बाई 100। एवरेज एटॉमिक मास ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कितना, 10.8। पी वन आपने क्या माना है, एक्स इंटू ए वन कितना है 10 प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 11 होल डिवाइडेड बाई 100। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 1080, करेक्ट, ये आ जाएगा 10x प्लस ये आ जाएगा 1100 माइनस 11x, इसको इधर उधर करके ये x आ गया और ये आ जाएगा 1100 माइनस 1080, दैट इज इक्वल टू 20। यानी परसेंटेज अबंडेंस For boron 10 is 20%. तो P1 कितना आ गया? P1 आ गया 20%. तो P2 क्या आएगा? P2 is 100 minus 20. That is equal to 80%. तो percentage abundance क्या है? Boron 10 और boron 12 का
बोरोन 10 का परसेंटेज अबेंडेंस है 20% और बोरोन 11 का परसेंटेज अबेंडेंस है 80%। इस प्रकार से आपको यह समझ में आ गया कि व्हाट इज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। हेडिंग डालें ग्राम एटॉमिक मास, हेडिंग डालें ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल संडे है, मन लगाकर पढ़ाई करिएगा, जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करिएगा, सो दैट कि हर हफ्ते जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अगर आप उसी प्रकार से रिवाइज करते जाएंगे तो बहुत आसानी होगी आपको पढ़ने में और चीजें आपको याद रहती जाएंगी। एवरी वीकेंड व्हाट यू हैव टू डू इज रिवाइज द एंटायर फ्रॉम द डे वन, पहले दिन जो आपने लिखा था वहां से लेके जहां तक लिखा गया है एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। कॉन्सेप्चुअली याद करिए, सर ने क्या एग्जांपल देके ये वाली बात समझाई थी, क्या एग्जांपल देके ये वाली बात समझाई थी, उसको रिकॉल करिए और समझते जाइए। और तब ऐसा जब आप करते जाएंगे ना, तो जब पूरी कॉपी खत्म हो रही होगी तो आप देखेंगे कि वो पूरा रट गया है आपको, रटा हुआ मतलब कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लियर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड।